हेलो फ्रेंड्स, राज टेक केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देखेंगे कैसे आप किसी पार्टीशन को मर्ज कर सकते हैं। जैसे गलती से मान लीजिए कि आपका एक पार्टीशन बनाना था 100 GB का, लेकिन बन गया 14 GB का, तो आपको वो फिर से मर्ज करके फिर से आप दोबारा उसको फिर दोबारा पार्टीशन बना सकते हैं 100 GB का। तो चलिए मर्ज कैसे करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोगों को इसको मर्ज करना है, तो यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, सिंपली डिलीट कर देना है यहाँ पे। यस, जैसे हम डिलीट कर देंगे वो, और ये हमको चेक करना है कि कैसे हम किस पार्टीशन में हमको मर्ज करना है। तो यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए एक्सटेंड का वॉल्यूम दिख रहा है, यानी कि जैसे ही हमें एक्सटेंड करेंगे ये मर्ज हो जाएगा ई ड्राइव में। तो चलिए कर देते हैं, यहाँ से एक्सटेंड वॉल्यूम कर दिए, नेक्स्ट कर देंगे, और फिर नेक्स्ट, और फिर फिनिश कर देंगे। तो देखिए ये 309 GB का हो गया है। और हम फिर इसको क्या करेंगे, फिर एक 100 GB का पार्टीशन आपको बना के दिखा रहे हैं। तो इसी पे आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके क्या करना है, श्रिंक वॉल्यूम करेंगे। तो यहाँ पे आपका MB में पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है, मान 150 GB का बना रहे हैं, तो अगर हम लोग 15,000 करते हैं तो ये 15 GB का हो जाएगा। अगर ये जीरो लगा देते हैं तो यहाँ पे यानी 150,000 हम लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ से श्रिंक कर देंगे तो, और देखिए यहाँ पे 146, जो आप 150 GB का बना रहे हैं तो 150 GB से थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि 146 GB का यहाँ पे ड्राइव बन गया है। अब देखिए इसको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ से न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना होगा, और नेक्स्ट 150 GB का बनाए थे हम लोग, तो 150 GB भी यहाँ पे दिखा रहा है, नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो ड्राइव का नाम देना चाहते हैं वहाँ पे, जैसे हम ड्राइव का नाम R देना चाहते हैं तो यहाँ पे R कर देंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। वॉल्यूम लेवल्स, और इसको क्या करेंगे यहाँ पे परफॉर्म ए क्यू फॉर्मेट, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, और ये देखिए फिनिश कर देंगे, तो ये फॉर्मेटिंग बता रहा है। अब चलिए देख लेते हैं अपने PC में ये R नाम से ड्राइव कहाँ बना हुआ है। तो यहाँ से आएंगे, और ये देखिए यहाँ पे 150 GB का फॉर्मेट बना हुआ है। तो एक बार और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं दोस्तों, ये ऑलरेडी फॉर्मेट हो गया है, लेकिन एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं इस तरह से आके, और ये स्टार्ट ओके पर क्लिक कर देंगे, और ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।